इंदौर की रहने वाली श्रेया ओझा गोवा से मिस इंडिया का खिताब जीतकर इंदौर वापस पहुंची है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मिस इंडिया श्रेया ओझा ने बताया, यह कंपटीशन गोवा में आयोजित हुआ था जिसमें 3000 लोगों ने ऑडिशन दिए थे। साथ ही श्रेया ओझा ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अपना आइडियल बताया है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर सभी आप पत्रकार मौजूद हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि मुझे गोवा में हुए हाल ही में ये जो इवेंट था 2 फरवरी फर्न कदम्बा होटल में, जो मिस एंड मिसेस इंडिया का जो इवेंट था जो कि बोर्ड लगा है पीछे, तो वहाँ पर मुझे ये ताज पहनाया गया जिसमें मुझे मिस इंडिया 2021 घोषित किया गया है। ये इवेंट था हमारी फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट फैमिली के थ्रू, जिसमें मिस्टर रिजवान सज्जन जी जो कि डैन्यूब ग्रुप के मालिक हैं और फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट के सीईओ भी हैं, तो वो मौजूद वहाँ पर उनकी तरफ से ये कराया गया था। प्लस उसके बाद बड़े बड़े जो दुबई के कॉन्ग्लोमरेट्स हैं एंड ऑन्टरप्रनर्स हैं, जैसे कि बू अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला ग्रुप के मालिक हैं, वो वहाँ पर थे। एंड उसके बाद मिस्टर हरीश सहेलियानी जो कि अरब इंडिया स्पाइसेस के ओनर हैं, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। मिस्टर रशीद खान भी थे वहाँ पर जो कि क्रिप्टॉर्क जैसी बड़ी फर्म के मालिक हैं, तो वो भी वहाँ पर थे। एंड ग्लैमॉन जिसके थ्रू ये कराया गया था, फिल्म फ्रेंड जिसके एसोसिएशन में ही करा था, तो ग्लैमॉन की जो डायरेक्टर है मिसेस मंदुआ जो कि हमारी फुल सपोर्ट में थी एंड हमको राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑडिशन से भी हमारे साथ जान पहचान में थी, एंड उन्होंने हमसे ऑडिशन राउंड लिया था यहाँ पर जो कि हुआ था 28 अक्टूबर को, और करीबन 3.5 या 4 महीने के बाद हमको गोवा जाना था जो कि हमारा 5 दिन का ट्रिप था जिसमें हमको ग्रूम किया गया। बहुत ही अच्छे ग्रूमर्स आए थे, जैसे कि आप लोकेश शर्मा जी आए थे जो कि बहुत बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज कराते हैं, और हमारे स्टाइलिस्ट में हर्ष खुल्लर जी थे और सुनैना की अरोरा जी भी थे। कितने थे आपके उसके अंदर? 6 कंटेस्टेंट्स टोटल, फाइनल होके 60 थे। ऐसे 2 से 3 हज़ार लोगों ने ऑडिशन में पार्ट किया था, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद 60 कंटेस्टेंट थे टोटल वहाँ पर हमारे साथ गोवा में। तो हमारे काफ़ी शूट्स हुए, हमको एंगल्स बताए गए, हमको ग्रूम किया गया, हमको स्किन केयर रूटीन बताया गया, मेकअप रूटीन बताया गया, हमको क्या कपड़े पहनने, हमारे क्या सब होता है डिस्कस किया गया। उसके बाद हम लोगों को नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, जो राउंड मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाना था, और उसमें मैं गोल्डन बर्ड बनी थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो बोला जाता था, पर मेरा ये मानना है कि हम इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया अभी भी है क्योंकि हमारे पास इतना इंटेलेक्चुअल पावर है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हमको किसी सब्सटेंस जैसे गोल्ड की ज़रूरत नहीं है खुद को सोने की चिड़िया बोलने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।